हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक बार लेके एक बिल्कुल ही नए अपडेट ब्लॉग के साथ, जो कि है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल पर। 30,274 करोड़ की लागत से दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक बनने वाले दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण 2025 तक पूरा किया जाना है, जिससे दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र मात्र एक घंटे में तय किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत में कर रहा हूँ मेरठ के मोदीपुरम स्थित नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC के ऑफिस के पास से। और आज के ब्लॉग में हम लेने वाले हैं अपडेट दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के मेरठ में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क का। NCRTC का ऑफिस और इसके ठीक बराबर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के मोदीपुरम RRTS स्टेशन का। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन से शुरू होकर रैपिड रेल इसी मोदीपुरम RRTS स्टेशन पर आकर टर्मिनेट हो जाएगी और फिर दोबारा इसी मोदीपुरम स्टेशन से शुरू होकर सराय काले खां दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर में 2 डिपो, 1 स्टेबलिंग यार्ड और टोटल 22 RRTS स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें से 12 स्टेशन अकेले मेरठ में ही बनाए जाने हैं, जिसमें से 6 स्टेशन RRTS के लिए होंगे और बाकी 6 स्टेशन मेरठ मेट्रो के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो मोदीपुरम की साइड से दिल्ली की दिशा में जाती हुई रैपिड रेल यहाँ पर नेशनल हाईवे 58 को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में आ जाएगी। ये हम NH58 की सर्विस रोड पर हैं और आप लेफ्ट साइड में बैरिकेडिंग देख सकते हैं। अभी इनिशियल स्टेज पे यहाँ पर वर्क है, अभी नई नई यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और फाउंडेशन के लिए पाइलिंग वर्क यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। एक यही एरिया बचा था जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था, बट अब बहुत जल्द आपको यहाँ पर भी पिलर की एक लंबी लाइन दिखाई देने वाली है। और इसी के साथ ही यहाँ पर एक स्टेशन का निर्माण कार्य भी होना है, मेरठ नॉर्थ RRTS स्टेशन। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर सर्विस रोड को भी कवर कर लिया गया है, क्योंकि ये है एग्जैक्ट लोकेशन मेरठ नॉर्थ RRTS स्टेशन की। अभी यहाँ पर कोई पिलर बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो हो सकता है थोड़ी स्टेशन की जो दिशा है या लेफ्ट राइट हो सकती है, बट लोकेशन यही रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरठ में कंस्ट्रक्ट हो रहे पूरे 12 RRTS स्टेशन को। राइट साइड में आता हुआ NH58 का फ्लाईओवर मेरठ बाईपास की ओर निकल जाएगा और लेफ्ट साइड में मोदीपुरम की ओर से आती हुई रैपिड रेल यहां से मेरठ शहर की दिशा में एंटर करेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं मेरठ मेट्रो के बारे में। मेरठ जो कि दिल्ली NCR का काफ़ी बड़ा शहर है, यहाँ पर लोकल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेरठ में मेट्रो चलाने की मांग काफ़ी पुरानी थी। और जब दिल्ली से गाजियाबाद तक मेट्रो ट्रेन की कनेक्टिविटी दी गई, तो मेरठ में भी मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग जोर पकड़ने लगी। और फिर मेरठ को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट, जिससे एक बार फिर मेरठ में मेट्रो चलाने की आस और बढ़ गई। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन और NCRTC के साथ मिलकर न केवल मेरठ मेट्रो की मांग को समर्थन दिया, मंजूरी दी, बल्कि मेरठ में मेरठ मेट्रो को चलाने के लिए पहले कॉरिडोर की भी घोषणा कर दी। दोस्तों, यह है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का डोरली RRTS स्टेशन। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको सिर्फ पिलर से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बट बहुत जल्द ये भी अपने स्टेशन का आकार लेता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही बताया, मेरठ में कुल 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें से 9 स्टेशन पिलर पर होंगे और 3 स्टेशन अंडरग्राउंड बनाए जा रहे हैं। मेरठ में चलने वाली मेट्रो इसी रैपिड रेल के ट्रैक पर ही चलेगी, बट मेरठ मेट्रो सभी 12 स्टेशन पर रुकेगी और रैपिड रेल चुनिंदा 6 स्टेशन पर। मेरठ में चल रहा रैपिड रेल के ट्रैक का कंस्ट्रक्शन फेज 3 के अंतर्गत आता है, जो कि दुहाई से शुरू होकर मोदीपुरम तक जिसका एरिया है,
और इसको 2025 तक ऑपरेशनल किया जाना है। हालांकि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का फेस वन निबाबाद से दुहाई तक, जिसको 2023 में ही ऑपरेशनल करने की पूरी तैयारी है। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के MES कॉलोनी RRTS स्टेशन पर। यहाँ पर भी अभी सिर्फ पिलर्स का निर्माण कार्य ही चल रहा है और बहुत जल्द स्टेशन भी अपने आकार लेता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, मोदीपुरम की साइड से आती हुई रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो यहाँ पर रोड के सेंटर से हटकर लेफ्ट साइड में आ जाएगी। और लेफ्ट साइड में आप पिलर्स देख सकते हैं, जिनकी हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि ठीक इस जगह से पिलर्स पर आती हुई रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाएगी। और यहाँ तक जहाँ पर पिलर्स बन रहे थे वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी LNT, और जैसे ही रैपिड रेल अंडरग्राउंड होएगी इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर जो अंडरग्राउंड रैपिड रेल और मेट्रो ट्रैक की जो कंस्ट्रक्शन करवा रही है वो कंपनी है FCONS, जिसने अपना काम काफ़ी समय पहले ही यहाँ पर शुरू कर दिया है। भारी मशीनें भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं जो कि अंडरग्राउंड टनलिंग का काम करेगी। और यहाँ से आगे शहर की ओर रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो अंडरग्राउंड जाएगी और पहुँचेगी अपने पहले अंडरग्राउंड RRTS स्टेशन की ओर। राइट साइड में आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग, ये है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का बेगमपुल अंडरग्राउंड RRTS स्टेशन। अब यहाँ पर आपको कोई ऊपर बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अब अंडरग्राउंड हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए यहाँ पर नहीं, बट एक लोकेशन आपको जरूर बता रहा हूँ, यह है बेगमपुर एरिया मेरठ का, जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है अंडरग्राउंड RRTS स्टेशन का। बहुत व्यस्तम ये एरिया होता है, बट अभी सुबह का टाइम है तो भीड़ ज़्यादा नहीं। यह है मेरठ का UP रोडवेज बस अड्डा, जिसको वैशाली अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बेगमपुर की साइड से दिल्ली की दिशा में जाते हुए अंडरग्राउंड रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो यहाँ से आगे पहुँचेगी वैशाली अंडरग्राउंड RRTS स्टेशन की ओर। और लेफ्ट साइड में आप बड़ी बड़ी क्रेन्स देख सकते हैं, और अंदर की इस बैरिकेडिंग के अंदर की साइड काफ़ी हैवी मशीनरी और जो टनल बनाई जानी है, ट्विन टनल जो बनाई जानी है रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो के लिए, वो भी अंदर आ चुकी हैं, पहुँच चुकी हैं मशीनें। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मिक्सर प्लांट, बड़ी बड़ी JCBs और क्रेन्स अपना कंस्ट्रक्शन वर्क का कार्य बहुत ही शानदार तरीके से करती हुई। बहुत जल्द आपको इन स्टेशंस की डिटेल वीडियो भी जरूर दिखाऊंगा, बट आज के वीडियो हम देखेंगे पूरे 12 स्टेशंस को। तो दोस्तों, ये है रेलवे रोड चौराया मेरठ का, काफ़ी व्यस्तम चौराया ये भी, बट अभी सुबह के 7:30 हुए हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं। फुटबॉल चौराया बागपत रोड, यहाँ से राइट जाएंगे तो चली जाती है। और यहाँ पर रोड को लगभग पूरा कवर कर लिया गया है, सिर्फ एक सिंगल लाइन इसी साइड बची है, दूसरी साइड तो वो सिंगल लाइन भी नहीं, क्योंकि ये है एग्जैक्ट लोकेशन मेरठ सेंट्रल RRTS स्टेशन की। ये भी अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, इसी वजह से कोई स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखाई नहीं देगा बनता हुआ। बिल्कुल बागपत अड्डे जो तिराया है वहाँ पर ये स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि अंडरग्राउंड है बट अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इस वजह से पूरी रोड यहाँ पर बंद कर दी गई है एक तरह से कहा जाए तो। यही एक सिंगल लाइन है जो ऑपरेशनल है, और इसके दूसरी साइड तो ये सिंगल लाइन भी यहाँ पर कुछ नहीं है, टोटल बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये तीसरा RRTS स्टेशन था मेरठ का। और यहाँ से आगे जहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि कोई बैरिकेडिंग नहीं है, ठीक इसी जगह से रैंप के थ्रू दिल्ली मेरठ रैपिड रेल या मेरठ मेट्रो का जो ट्रैक है वो अंडरग्राउंड से दोबारा पिलर्स पर आ जाएगा। और आप राइट साइड पर देखिए, पिलर की हाइट काफ़ी कम है, क्योंकि रैंप के थ्रू जब पिलर्स पर आएगी तो धीरे धीरे ही पिलर्स हाइट पर जाएंगे। और आप देख भी सकते हैं पिलर्स धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ती हुई, और अंडरग्राउंड से जैसे ही दोबारा पिलर्स पर आएगी रैपिड रेल कंस्ट्रक्शन कंपनी फिर से यहाँ पर LNT हो जाती है और दोबारा अपनी
हाइट को छूते हुए पिलर्स यहाँ पर, और जैसे ही पिलर्स पर आएगी रैपिडेल अपनी हाइट को छुएगी। ये है एग्जैक्ट लोकेशन दिल्ली मेरठ रैपिडेल कॉरिडोर के ब्रह्मपुरी RRTS स्टेशन की। हालांकि इस स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी अभी इनिशियल स्टेज पर ही है, पिलर्स का ही निर्माण कार्य चल रहा है, बट बैरिकेडिंग कर दी गई है और पिलर्स का जाल अब दिखना शुरू हो गया है। तो बहुत जल्द यहाँ पर आपको स्टेशन का स्ट्रक्चर दिखना भी शुरू हो जाएगा। राइट साइड में मेरे है ट्रांसपोर्ट नगर, जिसको भी पूरा बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। और एक बार फिर से रैपिड रेल यहाँ पर सेंटर के डिवाइडर को छोड़कर लेफ्ट साइड में आ जाएगी, स्टेशन के जस्ट बाद ही लेफ्ट साइड में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से आगे है मेरठ हापुड़ मेन रेलवे लाइन पर बना हुआ ओवरब्रिज, जिसको पार करते हुए रैपिड रेल इस मेवला फ्लाईओवर से लेफ्ट साइड में होते हुए दिल्ली की दिशा में आगे की ओर बढ़ेगी। और यहाँ पर एक लॉन्चर को सेटअप किया जा रहा है, और जैसे ही इस रेलवे ओवरब्रिज, जिसको मेवला फाटक मेवला फ्लाईओवर भी कहते हैं, पार करते हैं, आपको यहाँ पर दोनों साइड पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे। और ये पिलर्स इसलिए हैं कि लेफ्ट साइड में आती हुई रैपिड रेल या मेरठ मेट्रो एक बार फिर से दोबारा से सेंटर के डिवाइडर वाली जो डिवाइडर पर आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर अभी बैरिकेडिंग होनी बाकी है, बट रैपिड रेल यहाँ पर दोबारा से रोड के सेंटर में चलेगी। लेफ्ट साइड में मेरे है शोप्रिक्स मॉल, मेरठ का काफ़ी मशहूर ये मॉल, और उसके साथ ही जाता हुआ बिजली बम्बा बाईपास जो दिल्ली रोड को हापुड़ रोड से जोड़ता है। और यही है एक एग्जैक्ट लोकेशन और रैपिड रेल स्टेशन की। जी हाँ, यहाँ बन रहा है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का शताब्दी नगर RRTS स्टेशन। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन यही है, आप पिलर्स देख भी सकते हैं कितने ज़्यादा पिलर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और हो भी क्यों ना, फ्यूचर में शताब्दी नगर का ये स्टेशन एक जंक्शन के रूप में तैयार होगा, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक हापुड़ रोड के लिए भी निकाला जाएगा जो कि मेरठ मेट्रो के लिए होगा। अब देख सकते हैं पिलर्स तो यहाँ पर लगभग काफ़ी तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पर सेटअप किया गया है एक लॉन्चर का, जो कि पिलर्स के बीच में सेगमेंट को जोड़ता हुआ दिल्ली की दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ से आगे चलते ही जो सामने लेफ्ट साइड में पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है एग्जैक्ट लोकेशन दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के रिठानी RRTS स्टेशन की। तो जो लॉन्चर का सेटअप किया गया है वो इस दिशा में ही आगे की ओर बढ़ेगा। बीच में पिलर्स तो यहाँ पर बनाए जा चुके हैं, और स्टेशन का स्ट्रक्चर भी अब धीरे धीरे अपना आकार लेता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आपको बताया कि रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का ट्रैक एक ही होगा, बट रैपिड रेल सभी स्टेशन पर नहीं रुकेगी और मेरठ मेट्रो सभी स्टेशन पर रुकेगी। तो यही कारण है कि मेरठ के अंदर जितने भी स्टेशन का निर्माण कार्य हो रहा है वो सभी 4 लाइन के होंगे, वहाँ पर 4 ट्रैक होंगे, जिसमें 2 ट्रैक मेट्रो के लिए और 2 ट्रैक रैपिड रेल के लिए रिजर्व होंगे। और यहाँ से आगे इन सेगमेंट काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं, काफ़ी लंबी दूरी हमने तय करी, और इस लॉन्चर की मदद से पिलर्स बाय पिलर्स सेगमेंट को जोड़ते हुए ये प्रतापपुर की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है लॉन्चर। और
पिलर्स तो आप देख ही सकते कितने तैयार। और आगे बढ़ते हुए ये है दिल्ली मेरठ रैपिडल कॉरिडोर का प्रतापपुर RRTS स्टेशन, जो कि मेरठ में पहला स्टेशन है जो कि सबसे तेज गति से बनाया जा रहा है। सबसे पहले बनके तैयार होगा ये वाला RRTS स्टेशन। स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं नीचे की साइड से भी और फुल व्यू। तो आपको अगले वीडियो में आपको या किसी और वीडियो में इन स्टेशन का पूरा दिखाऊंगा। पर ट्रैक यहाँ पर भी चार होंगे, जैसे कि आपको पहले ही बताया जितने भी स्टेशन हैं मेरठ के अंदर वो 4 ट्रैक्स के होंगे। ये हम चढ़ रहे हैं फ्लाईओवर पर मेरठ दिल्ली मेन रेलवे लाइन के ऊपर जो फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर को पार करते ही राइट साइड में आप जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिंग रोड है मेरठ बाईपास से। वो मेरठ की दिशा से जो आती हुई रैपिड रेल है मेरठ मेट्रो है वो लेफ्ट साइड से होके आएगी, और राइट साइड में जो पिलर्स आप देख रहे हैं इन पिलर्स की मदद से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के इस कनेक्टिंग रोड को ओवरपास करेगी। और उसके बाद ये जो सामने पिलर देख रहे हैं इसकी सहायता से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जो ये 6 लाइन रोड है इसको ओवरपास करेगी और फिर दोबारा पिलर्स पर आ जाएगी। लगभग 22 मीटर की हाइट से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को रैपिड रेल ओवरपास करेगी, मेरठ मेट्रो ओवरपास करेगी और दिल्ली की दिशा में आगे की ओर बढ़ती हुई रैपिड रेल यहाँ पर इन पिलर्स के थ्रू ही आगे की ओर बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी है LNT और पहुँचेगी मेरठ मेट्रो पहुँचेगी अपने आखिरी डेस्टिनेशन मेरठ की मेरठ साउथ RRTS स्टेशन पर। जी हाँ दोस्तों, मेरठ के मोदीपुरम से शुरू हुई मेरठ मेट्रो इसी मेरठ साउथ RRTS स्टेशन पर आकर टर्मिनेट हो जाएगी और यहीं से ही वापसी होकर दोबारा मोदीपुरम की दिशा में आगे जाएगी। और रैपिड रेल यहाँ से आगे की ओर सीधा जाते हुए मोदीनगर नॉर्थ, मोदीनगर साउथ, मुरादनगर, दुहाई होते हुए दिल्ली की दिशा में आगे की ओर चली जाएगी। यह है एग्जैक्ट लोकेशन मेरठ साउथ RRTS स्टेशन की। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।